अहम खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मैराथन मंथन किया। बुधवार को भोपाल पहुंचे अमित शाह ने बीजेपी दफ्तर में करीब 4 घंटे तक बैठक की है, 4 घंटे जिसमें चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस हाई लेवल मीटिंग में शाह ने प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट के आधार पर सभी 230 विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण की जानकारी ली। इस दौरान 11 जुलाई को हुई बैठक में दिए गए टास्क का फीडबैक भी लिया गया, साथ ही चुनावी रोडमैप को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोडमैप लगभग तय कर लिया है। इसी के तहत पार्टी प्रदेश में 4 जगहों से विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। विजय संकल्प यात्रा का आगाज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से होगा। उज्जैन के अलावा ग्वालियर, चित्रकूट और जबलपुर से भी यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं में से किसी भी एक स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। अमित शाह ने प्रदेश के मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य महाकौशल और मध्य क्षेत्र की अलग अलग नेताओं के साथ समीक्षा की है। तो शाह का मिशन मध्य प्रदेश चल रहा है, सीनियर लीडर्स के साथ 1-to-1 चर्चा, इसके साथ ही चुनावी रोडमैप को लेकर निर्देश दिए हैं, समितियों को जिम्मेदारी सौंपी है, विधानसभा फीडबैक, वाहन सत्कार, मीडिया मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया, तमाम तरह की जिम्मेदारियों को लेकर मूल्यांकन किया गया, उनको लेकर दिशा निर्देश अमित शाह ने दिए हैं। माइक्रो मैनेजमेंट कार्यालय, विशेष संपर्क अभियान, घर घर झंडा अभियान, तो तमाम तरह की कमल दीपावली, प्रचार प्रसार समिति, तमाम तरह के काम अमित शाह ने आकर किए हैं। बैठक में तमाम तरह की परिचर्चाएं की हैं। अमित शाह ने दिशा निर्देश दिए हैं कि कैसे क्या चुनावी रणनीति होगी। अलग अलग क्षेत्र, विंध्य, महाकौशल, मालवा, निमाड़, तमाम अंचलों के लिहाज से भी, हिसाब से भी बैठक ली है। वहां के पदाधिकारियों, भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से वहां के संदर्भ में बैठक हुई, वहां के नेताओं से, वहां के बड़े अधिकारियों से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स से विमर्श हुआ और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर मंथन हुआ। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सनी जुड़ गए हैं। सनी, अमित शाह इस वक्त निकल गए हैं दिल्ली के लिए, क्या कुछ हुआ बैठक में कल से लेकर आज तक और रवानगी के संदर्भ में जानकारी दें। निश्चित तौर पे अब जो केंद्रीय गृह मंत्री जो है दिल्ली की ओर, स्टेट एंगल से दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं, जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो वहाँ पहुंचे थे, जहाँ अमित शाह की दिल्ली की ओर से उनकी विदाई की। कुल मिलाकर माने की जो देर रात तक जो हाई लेवल जो मीटिंग बीजेपी कार्यालय पर चली, जिस तरह से मध्य प्रदेश के साल के अंदर विधानसभा चुनाव है, उस मिशन को लेकर रणनीति तैयार की, किस तरह से जनता के बीच जाना है, जो सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाना है उसको लेकर की, और जिस तरह से जो 15 दिन का जो रिव्यू जो अमित शाह ने दिया था कि 15 दिन तक जो मध्य प्रदेश में क्या कुछ चलाना है, किस तरह से काम करना है, क्योंकि जिस तरह से मध्य जो बीजेपी के अलग अलग नेताओं की जो नाराजगी भी सामने आ रही थी, उस नाराजगी को लेकर भी मंथन किया गया। देर सुबह भी आज जो वीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन जयसवाल, भूपेंद्र यादव, ये तमाम जो नेता है वो जहाज होटल पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक सभी नेताओं की चर्चा की गई। लंबे मंथन के बाद जो है अमित शाह जो है अब दिल्ली की ओर रवाना हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बनी गई है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, इस प्रकार से एक रणनीति तैयार की गई है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रवार देर रात को जो बैठक हुई थी, अलग अलग क्षेत्रवार नेताओं से बातचीत ली थी, उनका फीडबैक लिया था, चाहे मालवा अंचल की बात किया है तो फिलहाल विजयवर्ग से फीडबैक लिया गया, जो दिल्ली की बात किया है तो राजेश शुक्ल से फीडबैक किया। इन क्षेत्रवार जिम्मेदारी अब जो है नेताओं को सौंपी जा सकती है, अलग अलग किस तरह से किया, क्योंकि समिति का गठन भी, नाम फाइनल किए हैं, कुछ 16 सदस्यों की समिति गठन किए हैं, आज या कल में इनके जो नामों की लिस्ट जो है बीजेपी जारी कर सकती है, अलग अलग जो है जिम्मेदारी नेताओं को सौंप सकती है। कुल मिलाकर माने जाए कि जो मध्य प्रदेश की कमान है वो अमित शाह के पर है, और जो है
कमान जो है पूरा चुनाव जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ाए जा रहे होंगे। जो अमित शाह काफी रणनीतिकार माने जाते हैं और बिल्कुल लिहाज से उनका स्वभाव भी यही है कि बिल्कुल जो उनका स्वभाव है कि पूरी तरह से काम पर फोकस रहना चाहिए। इस काम के लिहाज से जो है बिल्कुल कल बीजेपी काल में करीब 8 बजे पहुंचे थे, लंबे 12:30 बजे तक बैठक चली है और सुबह भी जो है तमाम जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं जो प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ताज होटल में लंबी 1 घंटे चर्चा की। अब उसके बाद जो आप रणनीति तैयार किए किस तरह से मध्य प्रदेश को जीता जाए। जी बिल्कुल सनी, और अमित शाह के आगामी क्या अब जल्द ही फिर से आएंगे मध्य प्रदेश? आगामी समय में केंद्र स्तर से भारतीय जनता पार्टी के और अन्य कौन से लीडर्स आ सकते हैं? विकास यात्राओं को लेकर क्या रोड मैप है? जी सबसे पहले तो ये बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 12 अगस्त को एक रविदास जयंती जो सरकार धूमधाम जो मंदिर का भूमि पूजन होना उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे, इसको लेकर भी अभी चर्चा की गई है अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि एक दलित वोटरों को साधने के लिए अब बीजेपी ने एक बड़ा फोकस किया है। रविदास जयंती को लेकर एक रविदास जयंती का मंदिर बनाया जा रहा है, 11 एकड़ जो जमीन जो सरकार ने दी है इसको लेकर जो यात्राएं अलग अलग जिले से भी निकाली जा रही है, क्योंकि एक दलित वोटरों को सारा जा रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव है कि मध्य प्रदेश में चुनाव से लिहाज से जो है बीजेपी अब हर अलग अलग वर्गों को साधने जा रही है, क्योंकि इस प्रकार से जो खबरें सामने आ रही कि पिछला वर्ग से आते हैं जो पहलाट पेट है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी पिछला वर्ग की दी जा सकती है, और कहीं ना कहीं जो मालवा क्षेत्र से आते हैं कैलाश ब्रजवर्गी उनको मालवा की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का दौर भी शुरू हो गया है अमित शाह की इस बैठक के बाद, गृहमंत्री जी की इस बैठक के बाद। सनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखें क्या करंट घटनाक्रम चल रहे हैं।